दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं इंडियन नेवी वैकेंसी 2022। न्यू भर्ती आ चुकी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुल का फुल, मतलब कि जो भी आया है सब कुछ। एज लिमिट क्या रखा गया है, सैलरी कितना मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है आपका। ओके, तो इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स बनेंगे वो 100% यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो अदर बाई चांस कोई डाउट बच जाता है या फिर अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी आपको क्वेश्चन आस्क करना है, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क कीजिएगा। 100% हम वहाँ पर आपको डाउट क्लियर करेंगे, या फिर व्हाट्सएप का लिंक, मतलब कि व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज़रूर मैसेज कीजिए, 100% आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इसमें सीट कितना है, लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, फॉर्म कैसा भरा जाएगा, मतलब कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने जय हिंद नहीं लिखा है तो जय हिंद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन और इंक्रीज हो जाए। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। और किस तरह चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ पर ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी जॉब रिगार्डिंग या फिर जॉब आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलता है, सो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखा देते हैं इसका नोटिफिकेशन, और कैसे कैसे भरना है, क्या लास्ट डेट है फॉर्म, मतलब स्टार्टिंग डेट क्या है, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पे जाना है, jobshankar.com सर्च कर लेना है। jobshankar.com सर्च करिएगा तो आपको फर्स्ट में ही दिखाई दे देगा इंडियन नेवी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेवी LDC एंड MTS रिक्रूटमेंट 2022। और ये भर्ती किस चीज़ के लिए निकाला गया है, LDC के लिए और MTS पदों के लिए। ओके, MTS पदों के लिए, मतलब LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, और MTS मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती निकाला गया है, रिक्रूटमेंट 2022 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवी का ये और लेटेस्ट अपडेट है, और ये फॉर्म जो है आपका कैसा है वो भी मैं यहाँ पे देख, पोस्ट नेम, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको कल मिल जाएगा, सो आप कल चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। LDC MTS रिक्रूटमेंट 2022 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख से, मतलब कि 30 अप्रैल से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ओके, और लास्ट डेट क्या रखा गया है आपका, 27/6/2022। ओके, तो 27/6/2022 रखा गया है, मतलब कि आपका जून रखा गया है। ओके, 27 जून, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में, और मई, उसके बाद जून, 27 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको कैसा भरा जाएगा, ये फॉर्म आपका ऑफलाइन मोड में है। ओके, ऑफलाइन मोड में है फॉर्म आपका। और एज लिमिट की बात कर ले तो ये मत सोचिएगा कि ऑफलाइन है तो फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म भरिए, क्योंकि भर्ती आपको पता है सेना का ऑलरेडी 1 लाख भर्ती कम किया जा रहा है। कितना कम किया जा रहा है, 1 लाख, 1 लाख भर्ती कम किया जा सकता है, जैसे कि आप सब आपको न्यूज़ वगैरह में आपको मिला होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज 56 ईयर से, ओके, और मिनिमम आपको पता होगा कि 18 ईयर्स रहता है, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 56 ईयर्स तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलेगा, आपका OBC कैंडिडेट हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर्स का एज फाइव ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पे स्केल की बात कर ले तो LDC के लिए लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेके 63,200 तक। ओके, और MTS लेवल 1 का सैलरी मिलेगा तो MTS के मिलेगा 18,000 से लेके आपका 56,900 तक। ओके, तो ये दोनों सैलरी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स पोस्ट की बात कर ले तो टोटल कितना भर्ती निकाला गया है, तो सिर्फ 10 पोस्टों पे भर्ती निकाला गया है, तो आपको सिर्फ एक से मतलब होना चाहिए, 10 के चक्कर में मत पड़िए, तो फॉर्म ज़रूर भरेगा। लॉ डिवीजन कलर के यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे दिया गया है, और नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट, 5 पोस्ट भर्ती निकाला गया है LDC के लिए, और 5 निकाला गया है MTS के लिए। LDC के लिए 12th पास आपको चाहिए, और साथ में इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, तो हिंदी टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप होने चाहिए, और इंग्लिश टाइप होना चाहिए 35 वर्ड। ओके, और MTS के लिए ऑफिस एंड ट्रेनिंग यहाँ पे दिया गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 5 पोस्ट, इसमें सिर्फ आपको 10th पास रखा गया है, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत से बच्चे टाइपिंग किए भी रहते हैं तो ये भरिएगा, जो टाइपिंग नहीं किए हैं वो 10th वाला भरिए, या फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम है आप टाइपिंग वगैरह भी
सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआर डिजाइन इन ओरिजिनल, यहाँ पे जो भी आपका ओरिजिनल विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ मेजर माइनर पेनल्टी इफ ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, कैडर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई मतलब कि इसमें से जानकारी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, या मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊँगा। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड करना है टू द कमांडर इन चीफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर OIC सिविलियन रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर्स अंडमान निकोबार कमांड के लिए भर्ती है, और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर ये पिन कोड आपको डाल देना है, साउथ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऊपर आपको ये लिफाफा जो होता है उस पर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड किस कैटेगरी के लिए भर रहे हैं वो आपको, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिश किया गया है 22 तारीख को, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है, सो वहाँ पे चेक कीजिएगा। और नोटिफिकेशन भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, और आपको नोटिफिकेशन भी कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे ही मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ पर आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए अब आपको मैं नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को फेक वगैरह भी लगता है। तो ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ओनली ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। और ये आप देख सकते हैं LDC यहाँ पे 5 पोस्ट, यहाँ पे 5 पोस्ट, MTS सैलरी वगैरह आप ऑलरेडी मैंने बता दिया, एज की बात करें तो 56 साल तक आप भर सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे पढ़ लीजिए, स्किल टेस्ट वगैरह यहाँ पे टाइपिंग वगैरह मांगा जाएगा, और MTS के लिए आपका 10th पास रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे आप प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट पोजीशन पे आपका यहाँ पे किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद लास्ट डेट से यहाँ पे क्रूशियल डेट वगैरह 60 डे आफ्टर, यहाँ पे द लास्ट डेट क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइन एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट विल बी काउंटेड, तो ये लास्ट डेट पर आपका काउंट किया जाएगा, इसलिए बात वहाँ पर अप्लाई कैसे करना, ऑफलाइन यहाँ पे आपको भर के भेजना है अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर पिन कोड आपको डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी सेंट अलोंग विथ, ताकि जो फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे भेजने हैं, ये आप ये उसका लिस्ट है, तो ये आप देख सकते हैं। ये फोटो आपको ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड रिवर्स द एम्प्लॉयमेंट, किसी जो भी एम्प्लॉय होंगे उनसे करवा लीजिएगा, और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर आस्क कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, या फिर नंबर पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप नंबर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।